गाइस वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में बात करने वाले सिलिकन चिप्स के बारे में और हमारे सीपीयू की वर्किंग क्या होती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात सीपीयू और चिप्स क्या होती है। चिप्स कुछ भी नहीं होती है, वो एक ट्रांजिस्टर्स का सेट होती है जो ट्रांजिस्टर 0 और 1 आउटपुट करते हैं। ट्रांजिस्टर के बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। तो सबसे पहली बात की हमारे कंप्यूटर में 0 और 1 ही समझ में आता है, तो हम 0 और 1 की लैंग्वेज में ही कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। 0 और 1 और कुछ नहीं होता। 0 मतलब पॉजिटिव चार्ज करंट और 1 मतलब नेगेटिव चार्ज करंट। तो अगर हमें 1 आउटपुट देना है, इनपुट देना है कंप्यूटर में, तो हम एक नेगेटिव चार्ज करंट फ्लो कर देंगे और हमारे कंप्यूटर को 1 आउटपुट मिल जाएगा। तो ऐसे हम 0 और 1 के आउटपुट का खेल 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 के ऐसे बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर एक सीपीयू में लग गए, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर बहुत छोटे होते हैं, बहुत नैनोमीटर्स में होते हैं ट्रांजिस्टर। इसलिए इनका ये काम होता है कि ये 0 और 1 का ये सारा एडिशन सबट्रैक्शन का खेल खेले और बाइनरी के ऊपर फिर C++ जैसी लैंग्वेज आके हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चलाती है और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे एप्लीकेशन चलाता है। तो सबसे बेसिक कोर लेवल पे करंट ही होता है, क्योंकि करंट से ही सारी इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्क हुआ। अब 0 और 1 की लैंग्वेज ही कंप्यूटर को सिर्फ समझ में आती है, इसलिए हमें उसको 0 और 1 में आउटपुट देना होता है। लेकिन अगर हम करंट किसी मेटल की चिप बना देंगे, जैसे हमने किसी आयरन की चिप बना दी, उसमें करंट इतनी तेज निकल जाएगा कि ट्रांजिस्टर को पता ही लग पाएगा कि वो 0 था या 1 था, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज था। तो उसमें रोल आता है सेमीकंडक्टर्स का। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं कि वो इन ट्रांजिस्टर्स को जो उस टाइम पे इतने बड़े होते थे, इस टाइम जब ये स्टार्ट हुआ था कंप्यूटर एरा, तो ट्रांजिस्टर इतने बड़े होते थे। तो जैसे अभी आपको जो आप स्नेक वाला गेम अपने एंड्रॉइड फोन में खेलते हो, वो अगर आपको ट्रांजिस्टर के बर्थ के टाइम पे खेलना था, तो आपको एक कमरे इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर चाहिए होता था। ट्रांजिस्टर का इतना बड़ा रोल रहा है हमारे एवोल्यूशन में। तो अब बात आती है कि ट्रांजिस्टर अब कैसे दिखता है। तो ट्रांजिस्टर है एक बहुत छोटा सा नैनोमीटर स्केल पे है, लेकिन उसकी लैबोरेटरी इमेज आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। अब वापस आते हैं हम कि ये हमारे सीपीयू में वर्किंग कैसे होती है। तो सीपीयू की वर्किंग और ट्रांजिस्टर में आपको अलग वीडियो में समझाऊंगा, अभी हम फोकस करते हैं सेमीकंडक्टर्स पे। सेमीकंडक्टर्स क्योंकि ऐसी चीज है ना कि वो इंसुलेटर है, ना वो इतने अच्छे कंडक्टर है कि वो करंट को ज्यादा तेज फ्लो करे या बिल्कुल ही ब्लॉक कर दे, वो धीरे धीरे करंट को फ्लो करने देते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है 0 और 1 कैसे काम कर रहा है। तो हमारे में जो सेमीकंडक्टर है वो होते हैं मेटलॉइड्स, क्योंकि उनमें मेटल की प्रॉपर्टीज है नॉन मेटल्स की, इसलिए वो सेमीकंडक्टर होते हैं कि वो बहुत धीरे करंट को कंडक्ट करते हैं। तो ऐसे बहुत ही कम मेटलॉइड्स है जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आप पीरियोडिक टेबल में देख ही सकते हैं। तो उसमें से अब बात आती है कि हम सिलिकॉन को ही क्यों चूज करते हैं चिप्स बनाने के लिए, जर्मेनियम को क्यों नहीं, बोरॉन को क्यों नहीं। बोरॉन तो एक गैस है, उसको तो हम कर ही नहीं सकते। तो बात आती है कि क्योंकि सबसे अफोर्डेबल और मोस्ट फाउंड एलिमेंट इन सारे मेटलॉइड में से सिलिकॉन है। इवन अर्थ को छोड़कर पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मोस्ट फाउंड एलिमेंट में से एक सिलिकॉन है। अब एप्पल की एक नई चिप आई थी सिलिकॉन चिप, सिलिकॉन M1 चिप, जिसके बारे में आपने से कहीं ने सुना होगा। तो उसने सिलिकॉन की सारी एक्सटेंशन को लेके 5 नैनोमीटर का एक ट्रांजिस्टर करके उसमें 6 बिलियन ट्रांजिस्टर फिट कर दिए। कई लोग कह रहे हैं कि इसकी लिमिट है, क्योंकि इससे आगे नहीं जा पाएगा कोई भी, क्योंकि वो एटॉमिक लेवल पे आ जाती है और फिर क्वांटम टनलिंग जैसे काफी सारे फिजिक्स के फिनोमेना लग जाते हैं जो ट्रांजिस्टर्स को वर्क नहीं करने देते। तो अब हमें कोई दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा सिलिकॉन का। लेकिन अभी के लिए पिछले 30-40 सालों से सिलिकॉन ने डोमिनेट कर रखा है हमारे मार्केट को, इसलिए जितनी भी हमारी टेक कंपनीज है जो इनके हेडक्वार्टर्स है उनका नाम ही सिलिकॉन वैली रख दिया, क्योंकि ये सारा वर्क ही सिलिकॉन से हुआ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। मैंने बताया आपको सिलिकॉन चिप्स के बारे में और आगे आने वाले उसके लिमिटेशंस के बारे में और आगे फ्यूचर क्या हो सकता है इसका। आप नेक्स्ट वीडियो में जो आप देखना चाहते हैं टेक्निकल टॉपिक, वो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही था, तब तक के लिए बाय।